आप कैच बनेगा आपकी आवाज पर कल के अपराधों से कराएंगे आपको नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम है आपके साथ और देखते रहिए। उत्तर प्रदेश स्टार्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त और आला अधिकारी मस्त। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम में। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आप जानते ही होंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारे संवाददाता विक्रम ने उनसे विशेष वार्तालाप की और जाना कि किस प्रकार से कमलेश तिवारी हत्याकांड और पुष्पेंद्र इनकाउंटर को लेकर के तो भड़क उठे समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक अमरीश पुष्कर। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कमलेश तिवारी हत्याकांड का खुलासा इतनी जल्द कर दिया गया, उसको आर्थिक मदद और अन्य सुविधाएं मुहैया करा दी गई, लेकिन वहीं पर पुष्पेंद्र इनकाउंटर के लिए क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास समय नहीं है? क्या पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर फर्जी बताने से उत्तर प्रदेश सरकार घबरा रही है? इन्हीं सारी बातों को लेकर के हमारे संवाददाता विक्रम ने बात किया और खास बातचीत में जाना कि पुष्पेंद्र इनकाउंटर को लेकर के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकले और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसके ऊपर आक्रोश जताया कि उनकी सरकार अगर आती है तो पुष्पेंद्र यादव के परिवार को मिलेगा न्याय, इस सरकार में नहीं मिल रहा है तो परिवार को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव देंगे पुष्पेंद्र यादव को न्याय। तो देखिए हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। सरकार जिस तरह से कानून व्यवस्था को सुधारने की बात करती है और सत्ता में भी इस वादे के साथ आती है कि देश का प्रदेश का विकास करेंगी और मूलभूत समस्याएं जो है जनता की उसका निराकरण करेंगी, तो वही राजधानी में जिस तरह से अपराध ने अपने पांव पसार लिया है और आए दिन गोली हत्याकांड हो रहे हैं। जहां राजधानी में 17 गोली हत्याकांड हो गए, वहीं इस मामले की आज हम बात करने वाले कि किस तरह से कमलेश तिवारी और विवेक तिवारी के मामले में पुलिस ने और प्रदेश सरकार ने जिस तरह से सख्ती से रुख अपनाते हुए कार्रवाई की, तो वही अभी झांसी इनकाउंटर मामले की बात करें, जहां पुष्पेंद्र यादव की बात करें कि जिस तरह से उस मामले की सीबीआई जांच के लिए पूरे प्रदेश भर में एक देशव्यापी प्रदर्शन हुआ और सीबीआई जांच की मांग की गई, वहीं उनके परिवार भी इस पर लगातार सरकार से गुहार लगाते रहे और कई राजनीतिक दल कई संस्थाओं ने भी इस पर कैंडल मार्च निकाला और अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले को उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से कमलेश तिवारी और विवेक तिवारी हत्याकांड को लिया। आइए इसी पर बात करेंगे आज हम अमरीश जी से, जो सपा विधायक हैं मोहनलालगंज से, कि उनका क्या कहना है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भेदभाव कर रही है या वो यादव बात कर रही है, किस तरह से अलग अलग, जैसा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछली सपा सरकार पर यह आरोप भी लगाया था कि वो यादव की ही सुनती है और किसी अन्य जाति या किसी अन्य वर्ग की बात नहीं सुनती है। तो देखते हैं क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जातिवाद की राजनीति कर रही है या इसी वजह से पुष्पेंद्र यादव का मामला लग के पड़ा। विधायक जी स्वागत है आपका। तो क्या कहेंगे जिस तरह से कमलेश तिवारी सरकार ने पुलिस ने सरकार ने सख्ती से नाते कार्रवाई की थी, लेकिन वही इनकाउंटर मामले में भी सीबीआई जांच तक नहीं हो पाई। देखिए, कमलेश तिवारी के हत्यारों को पकड़ा गया, इसके लिए सरकार बधाई की बात है। विवेक तिवारी के साथ जो घटना हुई उस पर जो उन्होंने सख्त कदम उठाए उसके लिए भी सरकार बधाई की बात है, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश में अन्य तमाम वर्गों पे, अन्य लोगों के ऊपर तमाम ऐसी घटनाएं उनके साथ घट रही हैं जिस पे सरकार बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही है और उसको वो उस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। और जहाँ तक मैं आप झांसी के पुष्पेंद्र यादव जी की बात कर रहे हैं, तो पुष्पेंद्र यादव के मामले में समाजवादी के पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उसके घर गए थे और सारा जांच पड़ताल करने के बाद ये निश्चित तौर पे उनका एक इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर के तहत उनको हत्या की गई उनकी। आज सरकार से हम लोगों ने तमाम तरीके की जाँचों की मांग की, लेकिन सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। ये बात निश्चित तौर पर है कि सरकार जाति और धर्म के आधार पर काम कर रही है। एक वर्ग के साथ वो निश्चित तौर पर खड़ी दिखाई देती जबकि दूसरों के साथ उसमें संदेह और साजिश नजर आती है। ये बताएं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
पुष्पेंद्र यादव के परिवार से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने कमलेश तिवारी जी के परिवार से मुलाकात की, विवेक तिवारी जी की, या उस प्रकार निश्चित तौर पर उनके साथ जो घटना घटी है, पुलिस द्वारा जो घटित की गई है, उस पर निश्चित तौर पर उनको वहाँ पे पीड़ित के घर जाना चाहिए था और उसको न्याय दिलाना चाहिए था। लेकिन सरकार आज जब पूरे प्रदेश में कानून का राज नाम की कोई चीज़ नहीं रह चुकी है, पूरा प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कभी किसी की कहीं भी हत्या हो जाती है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं रह गया है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। वर्तमान समय में प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और योगी सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को सही करने में पूरी तरीके असफल साबित हुई है। जिस तरह से ये दावे करती थी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भू माफियाओं का जो आतंक है वो खत्म कर दिया जाएगा और जो रोमियो घूमते हैं सड़कों पर उनको खत्म कर दिया जाएगा, कई ऐसे अभियान चलाए गए जिससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित हुई। लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात करें, जहां पर आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही और पिछली सरकार भी समाजवादी सरकार भी रही है, इसके जो आंकड़े रहे हैं, जो 5 साल के आंकड़े रहे, इनके 2 साल के आंकड़े रहे, तो किस तरह से आप देखते हैं? अगर आप प्रतिनिधि होते 86 में, तो किस तरह से पुष्पेंद्र यादव के मामले को देखते हैं? देखिए, पुष्पेंद्र यादव के साथ निश्चित तौर पर उनका फर्जी इनकाउंटर किया गया है। ये बात तमाम तरीके के तमाम लोगों से बातचीत करके, उसके पुराना इतिहास देख के, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऐसा, कोई गंभीर धाराओं का कोई ऐसा मामला उनके ऊपर दर्ज नहीं था जिससे कि उनको ये साबित हो कि वो एक क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दर्ज होता, उसके बावजूद पुलिस द्वारा उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। इनकाउंटर के बारे में तमाम तरीके के विरोधाभास बयान पुलिस द्वारा या वहाँ के लोगों के द्वारा, प्रशासन द्वारा दिए गए। जो कहानी रची गई थी, कहीं ना कहीं उसमें हेर फेर थी, एसएसपी कुछ बता रहे हैं, एसएचओ कुछ बता रहे हैं। देखिए, पुलिस द्वारा कहानी में सब लोग जान चुके हैं। आज हमारे मीडिया के साथी के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से वहाँ का सच सबके सामने आ चुका है। पुलिस के अलग बयान होते, एसएसपी के अलग बयान होते, पूरा प्रशासन सब लगभग अलग थलग पड़ा था और एक झूठी कहानी गढ़ के उसको सच साबित करने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है और निश्चित तौर पे ये कहानी पूरी तरीके से झूठी होगी। जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि पुष्पेंद्र यादव के परिवार को न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा, चाहे आज मिले या अगर ये योगी सरकार में ये न्याय नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब भविष्य में हमारी सरकार बनेगी तो उसमें दोषियों को निश्चित तौर पर दंडित किया जाएगा। सपा सरकार में और सपा के जो नेता है, युवा नेता या आपके पार्टी के कुछ नेता है, जो कहते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यादव विरोधी सरकार है, आखिर क्या वजह है यादव विरोधी कहने का? देखिए, यादव विरोधी क्या है, यादव क्या, मैं तो समझता हूँ क्या हो गई यादव की इस सरकार। देखिए, एक यादव की जो इस सरकार चिन्हित कर करके जो एक काउंटर के नाम पे, तमाम मुठभेड़ों के नाम पे इस तरह के जो कर रही है, उसमें निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें ये दिखाता है कि उसमें भारी संख्या यादव समाज की है। तो निश्चित तौर पे यादव समाज कोई क्रिमिनल नहीं, लेकिन वो एक धर्म के आधार पे लोगों को इनकाउंटर किए जा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात। जैसे कि आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, क्या पुष्पेंद्र यादव का कोई आपराधिक इतिहास था? देखिए, ये हम क्या पुलिस भी नहीं बता सकती है, पुलिस के पास भी कोई ऐसा आपराधिक इतिहास ने जो कहानी रची उसमें पुलिस नहीं बताया कि उसके ऊपर एक गाली गलौज और एक महिला को भगा ले जाने का आरोप था। देखिए, ये तो बात पुलिस ने ही स्वीकार किया है कि उनके ऊपर कोई ऐसी कोई गंभीर धाराओं के मामले नहीं थे जिससे इनकाउंटर जैसी स्थिति पैदा हो। पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से फंस चुकी है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि जनता क्या इस फर्क को महसूस कर पाएगी? कि जनता इनके झूठे वादों से, इनके ध्वस्त कानून व्यवस्था से सब जान चुकी है। अभी जो हाल ही में परिणाम आए हैं, कल जो परिणाम आया है, निश्चित तौर पे वो समाजवादी पार्टी के भविष्य में आने वाली सरकार का संकेत है। निश्चित तौर पे आज जनता में उत्साह है और जनता अगर वो समझ रही है कि अगर आने वाले समय में कोई जो अत्याचारी सरकार से अगर कोई लड़ सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में 2022 में भारी बहुमत के साथ आएगी और पूरी तरीके से जो जुमले झूठे वादों की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकेगी। ये बताइए, 2022 के लिए जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? 21 जैसे कि अखिलेश यादव की जब सरकार रही 2012 से, तो उन्होंने काफी ऐसे काम किए, जो उद्घाटन की बात कर ले जिसपे आपके नेता विरोध करते हैं कि पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था।
और योगी जी दोबारा उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए ये तो विगत 2.5 साल बीत चुके हैं सरकार को, सरकार आप अपने रिकॉर्ड के अनुसार बताइए कि सरकार ने एक इतना बड़ा काम किया है जिसका उद्घाटन खुद स्वयं करने जा रहे हैं। आज तक जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं, जितने भी उद्घाटन हो रहे हैं, उद्घाटन करने वाली सरकार है ये, और उद्घाटन जो हमारे सपा सरकार में जो विकास कार्य हुए थे आज तक उसी का ये उद्घाटन कर रहे हैं। इनके पास नई कोई योजना नहीं है, न किसी आम आदमी के लिए, न किसी गरीब आदमी के लिए, न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए। नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, कोई वर्ग इस सरकार में सुखी नहीं है। निश्चित तौर पे योगी सरकार का पतन निश्चित है, बहुत जल्द आने वाला है इनका पतन। सवाल कि जिस तरह से मोहनलालगंज में विद्यालयों की काफी कमी महसूस की जाती है, तो अभी हाल ही में शायद कहीं विद्यालय का भी निर्माण आपने करवाया है। देखिए मोहनलालगंज में तो विद्यालयों की कम से कम, मैं मोहनलालगंज हमारे राजधानी का क्षेत्र है और मैं जब से विधायक बना हूँ या विधायक के पहले से, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि एक गरीब लोगों का क्षेत्र है, एक किसानों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, और यहाँ गरीब जनता ज़्यादा रहती, खासतौर पर अनुसूचित जाति बहुल। सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का नारा देती है, लेकिन मैं विगत 2.5 साल से कम सदन के माध्यम हो चाहे सड़क के माध्यम से हो, मैं बराबर से सबसे मिलके मोहनलालगंज क्षेत्र में एक राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना की बात करता रहा हूं, ताकि यहां की हमारी जो गरीब बच्चियां हैं वो कम फीस देके अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन सरकार इस मामले में कहीं से गंभीर नहीं दिखाई देती, मेरे द्वारा दिए गए बार बार प्रस्ताव को बजट ना होने का हवाला दे के वो रिजेक्ट कर देती है। आज निजी कॉलेज हमारे क्षेत्र में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मोहनलालगंज विधानसभा में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सपा विधायक अमरीश पुष्कर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन दोनों मामले को लेकर बड़ा भेदभाव कर रही है, जहां इनके नेताओं का कहना होता है कि योगी सरकार यादव विरोधी सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है कि किस तरह से, जिस तरह से विवेक तिवारी और हिंदू नेता कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई, उस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से सख्ती से कार्य किया, वही पर झांसी मामले में अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं विफल है, सीबीआई जांच अभी तक नहीं हो पाई। वीडियो मोहित के साथ मैं विक्रम, आपसे इजाजत चाहूंगा।